Valentine Day. Hi guys, this is Rishti and welcome to my channel Nautanki Naari. आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे. And today we are going to talk about the side effects of Valentine's Day. Because you know there are so many videos where people talk about what happens on Valentine's Day or you know kinds of people on Valentine's Day, but nobody talks about the side effects of it. So without wasting any time, let's go. Valentine Day? अरे काहे का Valentine Day? शादी के बाद कुछ नहीं होता, ये सब पहले होता है. रोज डे, प्रपोज डे, किस डे, टेडी डे, चॉकलेट डे, हग डे. शादी के बाद एवरी डे सेम डे. आपको पता है हमारे मर्द तो हमने वैलेंटाइन डे के दिन बोला गुलाब का फूल ही ले आते. बोलते हैं गुलाब का फूल का करते लाके मुरझा जाएगा. पता हो हमारे लिए क्या लाए? लाल लाल टमाटर. बोलते हैं ये लाल है, प्यार का रंग है, टमाटर तो तुम्हारे काम ही आएगा, एक जबरदस्त टमाटर दम की सब्जी बना दो. बस यही है हमारी जिंदगी. Oh my God, I love Valentine's Day. ऐसे लोगों को दिवाली, होली, न्यू ईयर्स डे, बसंत पंचमी, नाग पंचमी इन सबका वेट रहता है, वैसे I wait for Valentine's Day. The reason is because I believe in love. Yes, love exists. I love myself and I love gifts. I can do anything for gifts. I can go starving, so I can go without makeup for gifts. वैसे आज भी मेरा no makeup day है, just the lipstick. You know, आज मैंने इतना कुछ makeup किया नहीं है. कुछ नहीं है, चूतिया बनाने का धंधा है. MacBook, iPhone XS Max, then this iWatch, then this gold ka. Mubrini, baga mabuli adhi. I'm sorry, I just went with the flow. And yeah, I also got this power bank because you know I have so many boyfriends. Ek mera boyfriend Dharavi mein rehta hai, ek Nala Supara mein rehta hai, ek Dombivali mein bhi rehta hai, ek Kalyan mein bhi rehta hai, ek Varsova mein rehta hai aur ek Ghatkopar mein bhi rehta hai. Logo ko chutiya banate hain taki apne aashikon ke liye gift khareede, gulab khareede, chocolate khareede, jabki koi kachu kaam nahi aane wala, sab apna kha pee ke apna pichwada poch ke nikal जाते हैं. हमारी शादी के पहले तो हमको प्यार भी नहीं करने दिया, हमारी शादी करवा दी, हमको फंसा दिया इनके साथ. मिसेस शर्मा के लिए तो फूट फूट के प्यार निकलता है, लेकिन हमारे लिए प्यार प्यार का प भी निकल जाए तो बहुत है, बस सुबह उठ के पाद ही निकलती है. प्यार नहीं निकला इनका. आप कहाँ लगे हो वैलेंटाइन डे, कछु नहीं होता ये वैलेंटाइन डे. देख रहे हो हमारी हालत. अभी सुबह उठे, बर्तन धोया, पोछा लगाया, झाड़ू लगाया, बच्चों को तैयार करके स्कूल भिजवा दिया. Valentine Day. अरे शेम बोर्ड नहीं निकालना है, वैलेंटाइन डे कैसे मनाते हैं वो तो बताओ. अरे दीदी, क्या आपने कभी वैलेंटाइन डे मनाया भी है? वैलेंटाइन डे में क्या होता है? वैलेंटाइन डे इज अ मिथ. कुछ नहीं होता है, सिर्फ लॉन्डो का चूतिया कटता है उस दिन. काटेगी क्या? मैं तो सारे देश के नौजवानों को बोलूंगा कि वैलेंटाइन डे 14 फेब को नहीं, 1 अप्रैल को मनाओ. अगर कोई लड़की को तुम प्रपोज करोगे और वो नहीं मानी तो एटलीस्ट तुम ये तो कह सकोगे, सॉरी दीदी मैं तो आपको अप्रैल फूल मना रहूंगा. दिल में तो गड्ढा करके गई वो मेरे, और आंखों के नीचे भी काले गड्ढे दे के गई है. इतनी मूवीज दिखाई, इतना पैसा खर्च किया उसके ऊपर, इतना रिचार्ज कराया मैंने कि अब ये नौबत आ गई है कि पर्सनल लोन तक लेना पड़ा मुझे, लेना बैंक से. अब 5 साल तक नो किस, ओनली किस्त. वैलेंटाइंस डे के एक हफ्ते पहले से मैं अपने बॉयफ्रेंड्स को इतनी अटेंशन देती हूँ, इतनी अटेंशन देती हूँ कि उनको समझ में ही नहीं आता है कि मैं उनको अटेंशन दे रही हूँ या टेंशन दे रही हूँ. पुअर गाइस, आई टेल यू. नीचे गल्लू के किराने दुकान तक जाना पड़ता था तो उसके भी रिक्शे के पैसे मैंने दिए उसको. पबजी की स्क्वाड से भी निकाल दिया गया मुझे, क्योंकि बहन की पकौड़ी जब भी कॉल करती थी तब मैं पबजी खेल रहा होता था. या तो मेरा ऑडियो म्यूट हो जाता था और या तो फिर गेम लैग हो जाता था. आईफोन एक्सेस मैक्स चलाता था मैं, लेकिन अभी ये नौबत आ गई है कि अभी इसे भी बेचना पड़ेगा. और नोकिया 3310 बुक किया है मैंने. अरे इतना मत घिसी, आईब्रो में और बाल उगाएंगे आपके. वैलेंटाइन डे. अरे हम क्या बताएं,
दुनिया 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाती है, हम रोज मनाते हैं। अरे भाई रिटायर्ड आदमी है, अभी तो वापस हमारी प्यार करने की उम्र स्टार्ट हुई है। वैसे तो आई एम 60 बट लोग मुझे 30 का समझते हैं। अरे भाई सुबह की पहली चाय पीते पीते मिसेस शर्मा को कपड़े सुखाते हुए देखने का जो मजा है ना बॉस, और ठीक उसके 10 मिनट बाद मिसेस मिश्रा को वॉक करते देख। ही हंस दिल रिंकिया के पापा। प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, मरते दम तक करते रहना चाहिए। अपनी बीवी से नहीं हुआ तो क्या हुआ, दूसरों की बीवी से तो कर ही सकते हैं। ही हंस दिल रिंकिया के पापा। शर्म आती है बताने में कि हमारी जिंदगी में आए कैसे, हमारे चाचा जी ने बोला कि तुम्हारे लिए लड़का ढूंढे हैं, आ जाओ हमारे घर। ने देखा ये दही जमा रहे, हमने पूछा कहाँ जमा रहे, बोलते दही जमा रहे। हमने बोला कब तक जमाओगे, आके मिल लो। तो बोले अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। बताओ अगर इतनी घटिया चीजी लाइनें मारेंगे तो दिमाग का दही जमेगा ना। अजी कहाँ वो दूरदर्शन और कहाँ मैं कूल MTV। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, हाँ जो प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। मेरे इंस्टाग्राम पे भी बहुत फॉलोअर्स हैं, आप चाहे तो मेरे को फॉलो कर सकते हैं @coolboy, क्योंकि मैं बहुत ही वेला इंसान हूँ। और हाँ लव यू तो मैं आपको जरूर बोलूंगा इन रिटर्न, इसलिए अब मैं चलता हूँ। कामिनी मैडम को जब तक स्माइल पास ना करूँ तब तक रात की मीठी नींद मुझे नहीं मिलेगी, इसलिए नमस्ते। वैलेंटाइन डे नहीं घंटा डे है, घंटा डे, घंटा ही बचता है आपके दिमाग का, दिल की घंटी कभी नहीं बजी हमारी। तो मुझे ये मिल चुका है मेरे ब्रेकअप का रीजन, तो मैं अभी करती हूँ चिंटू को कॉल और अभी उसे ब्रेकअप करती हूँ। उसी बहन की पकौड़ी का फोन आ रहा है, अभी उसकी लेता हूँ। हेलो, आपने जिस बहन के पकौड़े को कॉल किया है अब उसके पास ना पैसे बचे हैं ना रोटी कपड़ा और मकान, इसलिए अपना फोन करके टाइम बर्बाद ना करे और जाके चिल्लू भर पानी में डूब मरे। भाग तेरे माँ की। ओके कर। ओह नो। इसलिए प्यार करना है तो सिर्फ अपने देश से करो। जय हिंद जय भारत। Hey guys, I hope you enjoyed the video. अगर मजा आया तो please comment छोड़ो, which character did you enjoy the most, let me know. And please give it a like if you loved it. And also please do subscribe. I'll see you guys next time. Till then, keep loving, keep smiling and stay happy. Bye!